नोखा नगर पालिका की ओर से पूर्व महाराजा गंगा सिंह और नोखा नगर सेठ सुगन चंद पारक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता देवी सिंह भाटी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं पूर्व संसदीय सचिव केएल झंवर विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान देवी सिंह भाटी ने नोखा नगर पालिका और पूर्व संसदीय सचिव केएल झंवर की तारीफ की। एक खास रिपोर्ट देखिएगा। नोखा नगर पालिका की ओर से नगर संस्थापक पूर्व महाराजा गंगा सिंह और नगर सेठ सुगनचंद पारक की प्रतिमाओं का अनावरण समारोह रखा गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व संसदीय सचिव केएल झंवर मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने नोखा नगर पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नगर पालिका ने एक बेहतरीन निर्णय लिया है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने पूर्व महाराजा गंगा सिंह के विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि वे आधुनिक बीकानेर के निर्माता थे। हमारे राष्ट्र की और एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती महाराजा गंगा सिंह जी जो आधुनिक बीकानेर के निर्माता थे और असंभव से असंभव करके वो योजनाएं लाए, संघर्ष किया। नोखा नगर पालिका की ओर से आयोजित प्रतिमा अनावरण समारोह में अच्छी खासी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंच पर सर्व समाज के प्रतिनिधियों को जगह दी गई। नोखा SDM रमेश देव भी मंच पर दिखाई दिए। पूर्व संसदीय सचिव KL झंवर ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। मैं 4 बार नगर पालिका का अध्यक्ष रहा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। मैं वर्तमान बोर्ड और अध्यक्ष को इस काम के लिए बधाई देता हूँ। तो वही नगर पालिका अध्यक्ष KL झंवर ने कहा कि पूर्व महाराजा गंगा सिंह ने जो कुछ किया वे हम सबके लिए प्रेरणादायी है। नारायण झंवर और मौजूदा बोर्ड ने जो ऐतिहासिक काम किया है उसके लिए मैं नगर पालिका बोर्ड का आभार व्यक्त करता हूँ और आज जो आप लोग यहाँ पधारे हैं इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। देवी सिंह जी भाटी साहब ने तो हमारे इस शुभ काम में आज का समय दिया, मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। चौधरी सुगनचंद जी पारक को महाराजा गंगा सिंह जी ने छड़ी रात नोखा का चौधरी नियुक्त किया था, तो बहुत विचार मंथन के बाद में उनकी प्रतिमा हाथ में छड़ी लिए हुए और महाराजा गंगा सिंह जी की अष्ट धातु की प्रतिमा अश्वरोही हमने बनाई और आज इस अनावरण कार्यक्रम में आप सब लोग साक्षी बने। कार्यक्रम में अच्छी खासी संख्या में जुटी भीड़ शायद इस बात की ताकीद कर रही थी कि नेताओं द्वारा बेहतर काम का जनता समर्थन करती है। नोखा नगर पालिका द्वारा किए गए नवाचारों की भी खासी चर्चा रही। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए बीकानेर से लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट।